दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जगत ज्ञान में। अभी हमने जल्दी में बताया था कि आप अपने फोल्डर में पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें, काफ़ी अच्छा वीडियो था। और अभी हमारे सब्सक्राइबर ने जल्दी में पूछा है कि अपनी डिस्क में कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं। मान चलो जैसे मेरी ये डिस्क है, पूरी की पूरी डिस्क में पासवर्ड लगाने के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। पासवर्ड लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर खोल लेना है और जिस डिस्क पे पासवर्ड लगाना है उस पर राइट क्लिक करना है। तो अभी मैं जी डिस्क पे पासवर्ड लगाने जा रहा हूँ, लोकल डिस्क जी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा टर्न ऑन बिट लोकर। मैं आपको कुछ एक दो बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान से सुन लेनी चाहिए। सबसे पहला तो ये, आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल तभी करेंगे जब आपका डाटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होगा। और इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के बाद अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, इसमें अपनी डिस्क में पासवर्ड लगा के भूल जाते हैं, तो इस केस में ऐसा होता है आपकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाती है, हार्ड डिस्क आपकी करप्ट हो जाती है, ख़राब भी हो जाती है इस केस में ज़्यादातर हार्ड डिस्क, लेकिन आपका पासवर्ड वो ब्रेक नहीं होता। इस हार्ड डिस्क का पासवर्ड ब्रेक करने के लिए, यानी कि इसको तोड़ने के लिए, बहुत ही हमारे और आपके जैसे नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से सलाह दूंगा, आप फोल्डर में पासवर्ड लगाने वाला तरीका देख लीजिए, वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप सेव करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने अभी किसी भी डिस्क में पासवर्ड नहीं लगा रखा है और मैं कभी नहीं लगाता हूँ। मेरी एक दो हार्ड डिस्क खराब हो चुकी है इसी के चक्कर में। पासवर्ड ये लगने के बाद अगर भूल गए तो आपके पास इसे रिकवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यूज़ ए पासवर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड आ जाएंगे। आप पासवर्ड डाल ही रहे हैं तो थोड़ा कठिन पासवर्ड डालिएगा और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें रिकवर की इतनी समस्या है, भूलने के बाद उसको रिकवर करने की बड़ी समस्या है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट खुद कह रहा है कि आप इसे सेव कर लीजिए कहीं पे। तो मैं इसे फाइल के रूप में सेव कर लेता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे इसे सेव कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट करेंगे और फिर दोबारा से नेक्स्ट कर देंगे और फिर स्टार्ट एनक्रिप्टिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इस केस में पता है क्या हो रहा है कि अभी अगर आपने पासवर्ड ब्रेक करने की कोशिश भी करेंगे तो आपका डाटा ख़राब हो जाएगा। इसमें इनक्रिप्टिंग जैसा कुछ होता है इसमें कुछ, कि आपका पासवर्ड अगर हैकर तोड़ भी ले तो उसको वो डाटा ख़राब हुआ मिलेगा, उसके कोई काम का नहीं आएगा। तो काफ़ी जब ज़रूरी हो, अर्जेंट हो, तभी इस्तेमाल कीजिए यह तरीका। और एक बात और बता दूंगा, जैसे मान चलो अभी तो मेरी ये हार्ड डिस्क 114 GB की है, इसमें 10-15 GB का डाटा पड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, तो इसे होने में तो 15-20 मिनट में ये हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मान चलो आपकी हार्ड डिस्क 500 GB की है, उसके अंदर 400 GB 300 GB का डाटा पड़ा हुआ है, तो उसको इनक्रिप्ट होने में, यानी कि उसके अंदर पासवर्ड लगने में आपको 7-8 घंटे या 10 घंटे भी लग सकता है। कंप्यूटर को इतना आपको समय देना होगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसा नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का पर्सनल है और इसमें काफ़ी सिक्योरिटी वाला मामला होता है ये, तो इसमें समय लगता है, समय दीजिए कंप्यूटर को। वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करूँगा मैं। लॉकिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद इस तरह से मैसेज आएगा, यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ होगा, इसे क्लोज कर देंगे। और अब जब भी आप कंप्यूटर बंद करके चालू करेंगे तो आपको दोबारा से डिस्क में एंटर होने के लिए पासवर्ड मांगेगा ये, तभी आपको घुसने देगा, और गलत पासवर्ड डालेंगे तो आपको अंदर जाने नहीं देगा ये। चलिए मैं आपको कंप्यूटर बंद करके चालू करके दिखा देता हूँ एक बार। तो अभी मैंने कंप्यूटर चालू किया है इसे, और अब मैं दोबारा डिस्क में जाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना स्पेस है, इसमें क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है और सिर्फ लॉक लगा हुआ है। डबल क्लिक करता हूँ इस पर एंटर होने के लिए, तो ये आप देख सकते हैं पासवर्ड मांग रहा है मेरे से। मान चलो मैंने अभी कोई ये गलत पासवर्ड डाल दिया है, और इसे अनलॉक के लिए क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है। अब मैं इसमें अपना सही पासवर्ड डाल लेता हूँ और अनलॉक करता हूँ, तो ये अनलॉक हो चुकी है। दोस्तों मैंने अभी कंप्यूटर बंद करके दोबारा से चालू किया है, आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मान लो पासवर्ड आप भूल गए हैं तो वो रिकवर कैसे होगा। रिकवर उसी फाइल से होगा, उसी फाइल को इस्तेमाल करके होगा जो फाइल आपने सेव करी थी इसे पासवर्ड लगाते समय। तो अभी मैं आपको रिकवर करके एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मान चलिए मैं डबल क्लिक करके डिस्क में एंटर करता हूँ, और यहाँ पर अब मैं पासवर्ड जो कि भूल चुका हूँ तो गलत डाल दिया है मैंने, और उसके बाद अनलॉक करता हूँ। दोबारा से यही ऑप्शन आएगा हमारे पास, द पासवर्ड इनकरेक्ट। तो मैं अभी मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको भूल जाने के केस में। यहाँ पे आपको एंटर रिकवरी की का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वह 48 डिजिट की की डालनी है, ये की आपके उस फाइल में सेव होगी जो फाइल आपने सेव करी थी। तो ये फाइल है मेरी,
तो इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो इस फाइल के अंदर यहाँ पे आपको की मिल जाएगी कुछ इस तरह से। ये तो की की आईडी है, ये देखिए। अब इसे यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा से उसी डिस्क में एंटर करने की कोशिश करूँगा। मोर ऑप्शन पे आ जाऊँगा और एंटर रिकवरी की पे आ जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और उसे अनलॉक करना है। तो आपने देख लिया कि मैंने पासवर्ड का इस्तेमाल ना करके की का इस्तेमाल करके डिस्क को अनलॉक किया है। और कैसा लगा ये वीडियो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। कोई समस्या वगैरह हो तो वो भी मेरे को जरूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं कंप्यूटर रिपेयरिंग की वीडियोज़ देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।